वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही डिमांडेड चीज है ना प्रीति, हाई डिमांडेड चीज। हाँ, तो बहुत ज्यादा टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि प्लाजो में पॉकेट लगाना बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या होता है, ट्राउजर में पॉकेट लगाना आसान होता है बट प्लाजो में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लाजो में यहाँ साइड की जो होता है ना, साइड होता है ना, इसमें कटिंग नहीं होती है, तो कैसे लगाएं, फिर ऐसा डाउट रहता है माइंड में कैसे लगाएं, कुछ समझ नहीं आता है ना दीदी। हाँ, तो इसीलिए आज हम आपको प्लाजो में पॉकेट लगाना बता रहे हैं। तो प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं और उसकी स्टिचिंग भी करेंगे अपन। तो प्रीति, ये पूरा प्लाजो नहीं है, फ्लैपर प्लाजो है। आज एक नई चीज भी आपको पता चल जाएगी कि फ्लैपर प्लाजो जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा ट्रेंड में, एक होता है पैंट, एक होता है प्लाजो और एक होता है फ्लैपर। तो फ्लैपर पता है क्या होता है, पैंट जो होता है वो स्ट्रेट होता है और जहाँ से मतलब फिटिंग की रहती है वो एक तरीके से और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आ जाती है। इसके बाद प्लाजो जो होता है वो ऐसा स्ट्रेट प्लाजो होता है, एक ऐसा अम्ब्रेला प्लाजो होता है, मतलब थोड़ा ढीला होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ढीला होता है। और पैंट जो होता है पूरा थाई से लेकर नीचे तक का फिटिंग होता है। और जो फ्लैपर होता है ना, वो क्या होता है, वो मोहरी के पास भी थोड़ा सा ढीला होता है, वो जहाँ थाईस के पास भी थोड़ा ढीला होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैपर, जो बैठने उठने में एकदम कंफर्टेबल होता है। हाँ, तो फ्लैपर तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको फ्लैपर पैंट बोल सकते हैं, फ्लैपर प्लाजो बोल सकते हैं और फ्लैपर अकेला भी बोल सकते हैं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये नए वाला पैंट, मतलब फ्लैपर पैंट जो है, उसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो जो मेंस पैंट वगैरह जो बनती है उसमें जो फैब्रिक यूज होता है बड़े वाली विड्थ का, ये हम वही वाला फैब्रिक यूज कर रहे हैं। देखिए इसकी जो विड्थ है इतनी बड़ी है, जिसको मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। एक पीस में जो मेंस पैंट बनती है उतना ही फैब्रिक हमने ये वाला भी लिया है पैंट बनाने के लिए, फ्लैपर पैंट बनाने के लिए। और इसकी जो विड्थ है वो होती है बड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ जो है वो है 60 इंच की, मतलब अपने पूरे इंची टेप के बराबर। ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें लेना है और सीधा कर लेना है, सीधा करके दोनों किनारे को मिला के कर लेंगे डबल। डबल करने के बाद एक बार और इसको हम फोल्ड कर देंगे पूरा मिलाकर, तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। और यहाँ पर लगा देंगे नाखून। अब करेंगे हम इसमें से कटिंग। तो कटिंग करने से पहले आप देख लीजिए मेजरमेंट, इसमें जो हमारी फ्लैपर की लंबाई है वो है 37 इंच की। तो जो फ्लैपर होते हैं वो ज्यादा ऊंचे नहीं पहनते हैं, उनको इतना ही पहनते हैं ज्यादातर, ठीक है। और फ्लैपर में आपको 2 मेजरमेंट लेना है फिटिंग में, एक यहाँ की मोहरी का जितना भी आपको लूज चाहिए हो, ठीक है, और एक लेना है आपको थाइस का, ये भी आपको लेना है कम से कम 3 से 4 इंच लूज, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आपको लेना है एक कमर का मेजरमेंट, तो होगा हमारे टोटल 4 मेजरमेंट। 4 मेजरमेंट लेंगे और आपका फ्लैपर बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे 2 इंच पे निशान, ये होगा हमारा इलास्टिक के लिए। ये हमने इलास्टिक के लिए छोड़ दिया 2 इंच का फैब्रिक। यहां से लेना है, इंची टेप को रखना है, 37 हमारी लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। इसको हम ले रहे हैं 2.5 इंच का, आधे इंच अंदर जाएगा, 2 इंच चौड़ा इसको फोल्ड होके आ जाएगा। अब यहीं से हम खींच लेंगे सीधी सीधी 2 लाइंस इन्हीं निशानों के ऊपर से। लाइंस खींचने के बाद इसमें हमें लगाना है फिटिंग और कमर किस हिसाब से रखना है वो बता देती हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कमर का नाप लेना है। और कमर का नाप हमारा कौन सा रहेगा, जिस फिटिंग से हमें चाहिए इलास्टिक। तो यहाँ की कमर जो रहेगी वो ले ली हमने, वो है हमारी 32 इंच की। तो 32 इंच की कमर को करेंगे हम 4 पार्ट में डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा 8 इंच। तो 32 का चौथा भाग करने के बाद आ गए 8, तो 8 को कर देंगे हम इसका आधा, आधा निकला कितना 4, तो 8 में हम 4 को प्लस कर लेंगे, तो 4 प्लस करने के बाद हो जाएगा 12 इंच। 12 इंच इसमें हम ले लेंगे, 4 प्लस हम क्यूल कर रहे हैं। देखिए 32 जो कमर है उसका आ रहा है हमारा 8, 8 तो हमारा आ जाएगा फिटिंग में एकदम। 4 प्लस कर रहे हैं हम इलास्टिक को स्ट्रेच करने के लिए, जो मार्जिन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। तो जितना भी आपकी कमर निकले उससे हाफ आप उसमें ऐड कर लीजिए। मान लीजिए ऐसे आपकी कमर यहाँ पर 10 निकलती तो उसमें आपको ऐड करना पड़ता 5 इंच। तो हमने ये निशान लगा लिया। इसके बाद हमें लगाना है यहाँ से इंची टैब रख के क्रॉच एरिया का निशान। तो क्रॉच एरिया जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 13 इंच पे। तो 13 इंच पे आपको किसके अकॉर्डिंग लगाना है वो लगाते हैं क्रॉच एरिया हिप के अकॉर्डिंग।
तो जो हिप साइज है हमारा है वो है 42 इंच का। ठीक है फ्रेंड्स, 42 का कर लेंगे हम फोर पार्ट। फोर पार्ट करने पे कितना आएगा हमारा 10.5 इंच। 10.5 इंच में हम ऐड करेंगे 2.5 इंच क्लोजिंग ऐड, क्योंकि क्रॉच एरिया इसमें मतलब जो भी हिप रहता है उसमें अपन 2.5 इंच क्लोजिंग ऐड करके लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्लैपर पैंट है इसीलिए। तो 2.5 इंच लूज ऐड कर लेंगे आप तो एकदम सही क्रॉच एरिया आ जाएगा आपका। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब लगाना है दो फिटिंग, एक थाइस की एक यहाँ की बॉटम की। तो जो थाइस की फिटिंग लगाएंगे वो हम लगाएंगे क्रॉच एरिया से 2 इंच नीचे। थाइस की फिटिंग है हमारी 26 इंच, 26 का करेंगे हम हाफ, क्योंकि ये हमारा हाफ में कपड़ा रखा हुआ है। 26 का हाफ हो जाएगा हमारा 13 इंच, 13 इंच पे लगाएंगे हम ये निशान। ये लगा दिया, इसके बाद लगाना है हमें बॉटम की फिटिंग। तो ये हमारी जो मोहरी का निशान लगाया है यहीं से लगाना है। बॉटम है हमारा 14 इंच का, इसका आधा लगा लेंगे हम 7 इंच पे निशान। इसके बाद हमें ये राउंड वाला स्केल ले लेना है, इसको यहाँ पर रखना है इस तरीके से कि ये वाला निशान और ये वाला निशान आपस में मिलना चाहिए। इस तरीके से दे देंगे हम गोलाई और ये वाला यहाँ पर क्रॉस चला जाएगा। इसके बाद स्केल को रखना है हमें यहाँ पर, जो हमने कमर का निशान लगाया था यहाँ पर सीधी लाइन इसमें खींचेंगे और फिर करेंगे हम इसमें गोलाई इस तरीके से। करने के बाद अब करेंगे हम इसकी कटिंग। और कटिंग करने से पहले मैं मार्जिन का भी आपको निशान लगाना बता देती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे ताकि अगर अपन ऐसा लगे कभी उठने बैठने में दिक्कत हो रही है या अपन थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं। वो भी हम रखना है 1 इंच का मार्जिन। ये देखिए एक एक इंच पे लगाते जाएंगे हम ये निशान। ये हमने ले लिया मार्जिन, यहाँ से हम करेंगे इसके मार्जिन के पास से कटिंग। और यहाँ से हमने इसको रख लिया है सीधा ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमें दिक्कत नहीं आए। अब यहीं पे हम लगा देंगे एक कट फोल्ड करने के लिए। एक कट लगाना है हमें यहाँ पर लास्टिक के लिए। ये कट लग गया हमारा, इसके बाद अब हम करेंगे इसकी स्ट्रेचिंग। तो कटिंग तो पूरी हो चुकी है, ये वाला जो फैब्रिक बचा है हमारा ये साइड से, इसमें से हम लगाएंगे पॉकेट। तो ये लेंगे हम इसकी विड्थ 6 इंच और यहाँ से हम लेंगे 11 इंच। और यहाँ से भी हमको 6 रखना था लेकिन हमारे पास इतना फैब्रिक अवेलेबल नहीं है। तो गोलाई वाली बना दो तुम तो। ये हमने इसको कट कर दिया और यहाँ से इसकी कर देंगे गोलाई। ये बन रही है हमारी पॉकेट। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। फ्रेंड्स कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको कटिंग की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो स्टिचिंग करना मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको पॉकेट लगाना एकदम आसानी से आ जाए। और वो भी ऐसे फैब्रिक में पॉकेट लगाना मैं बता रही हूँ आपको जिसमें यहाँ साइड से कटिंग नहीं होती है। तो इसको हमें क्या करना है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी आप एक साइड पॉकेट लगाते हैं तो आपको किस वाले फैब्रिक में पॉकेट लगानी है, जिसपे निशान होगा। जिसमें कटिंग अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो निशान ऊपर आएगा और पॉकेट एकदम राइट हैंड साइड पे ही आएगी जिसपे निशान होगा। इस साइड हम पॉकेट लगाएंगे तो इसमें से हम पहले एक पार्ट अलग कर लेंगे। ये देखिए ये लिया और एक पार्ट को अभी इसमें से हटा देंगे। इसको कर लेंगे हम फोल्ड। फोल्ड करके अच्छे से मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद यहाँ पर अच्छे से टाइट हाथ से लगा लेंगे नाखून ताकि पता चल जाए सेंटर कहाँ आ रहा है। और पॉकेट का भी निकाल लेंगे हम सेंटर। दोनों के सेंटर निकालने के बाद इस फैब्रिक को कर लेंगे हम फोल्ड का सीधा। सीधा कर लिया, इसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ से फोल्ड। कहाँ तक, जो हमने निशान लगाया था ना फोल्ड करने का उतना ही। ये हमने यहाँ तक इसको लिया, इसको फोल्ड कर दिया। यहाँ से फोल्ड करने के बाद यहाँ से रखना इंची टेप को और लगाना है 2.5 इंच पे निशान। ये लगा लिया 2.5 इंच पे निशान। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लगाएंगे एक निशान 5.5 इंच पे। तो ये दोनों निशान के बीच रहेगा हमारा होल, ये पॉकेट में होल रहेगा हमारा हाथ जाने के लिए। तो जैसा ये रखा हुआ था वैसे ही मैंने रखा है अभी। और इसको यहीं से हम कर लेंगे ओपन। ये ओपन कर लिया, ये जो हमारा निशान आ रहा है यहीं से हमने 1/2 इंच फैब्रिक को ऊपर रख लिया।
यहाँ से लेके हमें चाहिए यहाँ तक। ये लग गई हमारी चौकोर में सिलाई। अब हम इसको लेंगे यहीं से, ऐसे सेंटर से इसको थोड़ा सा डबल करके पकड़ेंगे, यहीं से कर लेंगे इसको कट। यहाँ तक खत्म कर दिया, ऐसे इस साइड करेंगे। अब करेंगे इसमें ऐसे तिरछे में कट। कट करने के बाद ये जो मार्जिन है इसके ऊपर लगाएंगे हम इस मार्जिन को इस साइड करके एक सिलाई। ये लग गई सिलाई, इसको कर लिया बाहर। सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहीं से कर देंगे पूरा मार्जिन को अंदर। अंदर करने के बाद ये देखिए ये आ गया हमारा होल पॉकेट में हाथ को जाने के लिए। इसके बाद इस पॉकेट को हमें ऐसे लेना है इस तरीके से। धागे वगैरह जितने भी निकल रहे हों उनकी कर दीजिए कटिंग, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लग चुकी है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा फैब्रिक हो तो आप इसको गोल नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। हमारे पास फैब्रिक की कमी थी इसलिए हमने इसको गोलाई वाला शेप दे दिया। और अगर आपको ऐसी चाहिए तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल कपड़े में बनाना है तो 2 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा इस टाइप के पैंट को बनाने के लिए। और हमने जो लिया है वो थोड़ा स्ट्रेचर वाला फैब्रिक है, जो पैंट वाला आता है ना, तो आप कॉटन वगैरह, कॉटन मतलब या जो भी टाइप के आप फैब्रिक से बनाना चाहें उस टाइप के फैब्रिक से बना सकते हैं। ये पॉकेट हमारी इस टाइप से लग चुकी है। ये जो निशान वाली साइड है इसको इसके ऊपर पलट देंगे। पलटने के बाद इसको करेंगे मशीन के अंदर यहीं से, और बिल्कुल एकदम सीधा रखना है। तो ये हमारी पॉकेट में लग चुकी है। ये देखिए ये हमारी एकदम बढ़िया आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहीं से जाना है नीचे साइड। ये आ गए हम नीचे। यहां से जो हमने फोल्ड करने के लिए रखा था दोनों कट्स को ऐसे आपस में मिला देंगे, ऐसे हाथ से इसको फोल्ड कर देंगे और यहीं से आधे इंच अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बॉटम हमने दोनों फोल्ड कर दिए हैं। दोनों साइड की बॉटम फोल्ड करने के बाद इस वाले फैब्रिक को लेना है, इसके ऊपर रख लेना है उल्टा करके, और यहाँ से इसको मिलाएंगे क्रॉच एरिया को। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे, और इस साइड भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा कर इसको भी अटैच कर देंगे। क्रॉच एरिया में सिलाई लगाने के बाद गोलाई में हम लगाएंगे तिरछे तिरछे कट, और इसके ऊपर लगाएंगे हम पॉइंट की सिलाई। इस तरीके से इसको खोलेंगे और इसके मार्जिन को एक साइड करके इसके ऊपर लगा देंगे पॉइंट की सिलाई दोनों पार्ट में। क्रॉच एरिया पे पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इसको हमें निशान वाली साइड से पकड़ लेना है। तो ये रहा हमारा निशान वाली साइड, ये इसको हमने लिया और यहाँ से इन दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, और निशान वाली साइड को रखेंगे ऊपर साइड। ये देखिए ये आ रहा है हमें ऊपर साइड निशान, यहाँ से बराबर मिलाया और इस तरीके से हाथ से ठोककर निशान हमने यहाँ पर भी छाप दिए। थोड़े मैं डार्क कर देती हूँ इनको। इसके बाद इसको हम कर लेंगे उल्टा, यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। ये मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ से हम 14 का आधा 7 इंच नापेंगे, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पूरे नीचे तक लगाते ले जाएंगे और इसके ऊपर कर देंगे हम डबल सिलाई। डबल सिलाई लगाकर इसकी कर दी हमने फिटिंग। अब हम देख लेंगे कमर। कमर है हमारी 32 इंच की। 32 इंच में से 4 इंच हम माइनस करेंगे, और 4 इंच माइनस करके 28 इंच की हम ले लेंगे इलास्टिक, और इसको कर लेंगे सीधा। ये हमने ले लिया 28 इंच की इलास्टिक। इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है और पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। इलास्टिक को पक्की सिलाई लगाकर अटैच करने के बाद प्लाजो को ले लेना है अपने फ्लैपर वाले पैंट को। सीधा करने के बाद अंदर से लेना है इसको हमें, यहाँ से लेंगे जो मार्जिन है ना यहीं से इसको इधर फोल्ड करेंगे और इसमें से आधे इंच कर देंगे अंदर, और यहीं से इसको ऐसे गोल गोल में अंदर साइड अटैच कर देंगे नेफा बनाकर।
इलास्टिक में नेफा बनाने के बाद इसको खींच के पूरे मार्जिन को फैला देंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर लगाना है हमें दो सिलाई इलास्टिक के ऊपर। तो यहाँ अंदर साइड से लगाएंगे 1 सेंटीमीटर दूर, फिर 1 सेंटीमीटर और इस तरीके से खींचना है दोनों हाथ से और सिलाई लगाना है इलास्टिक के ऊपर। एक सिलाई लग गई, यहीं से 1 सेंटीमीटर दूर शिफ्ट हो जाएंगी और एक सिलाई और लगा देंगे इसी के जैसी। एकदम बढ़िया तरीके से हमारी इलास्टिक लग चुकी है इसमें, ये देखिए फिनिशिंग कैसी आई है। और इस तरीके से इलास्टिक लगाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से लग जाएगी। फ्रेंड्स, तो हमारी पॉकेट वाली फ्लैमर पैंट बन चुकी है। तो बताइए आपको ये कैसी लग रही है, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए जुड़े हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप पुराने हैं और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आपको इस टाइप की पैंट भी सीखना है जिसमें एक साइड पॉकेट होती है तो आप जल्दी जल्दी भर भर के कमेंट कीजिए हमें, तो हम आपको पॉकेट वाली पैंट भी बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।